राजधानी दिल्ली से कोरोना को लेकर आई है, गुड न्यूज आई है। और अच्छी खबर यह है कि 49 दिन के बाद दिल्ली में 49 डेज के बाद पहली बार 1000 से कम केस एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 954 केस आए हैं और 35 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल 11,470 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 4,170 RT-PCR टेस्ट और 7,293 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट भी 85% पर पहुंच चुका है। और उधर एम्स के डायरेक्टर ने यह दावा भी किया है कि शायद दिल्ली में कोरोना का पीक बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। और इस बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर आई है और चौंकाने वाली खबर है। भारत सरकार के सीरो सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं दिल्ली में। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 24% आबादी कोरोना से संक्रमित हुई है। दिल्ली के 11 जिलों में 27 जून से 10 जुलाई तक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 21,387 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। 10 और शहरों में सीरो ने सर्वे कराया है। तो कोरोना को लेकर दिल्ली से दो तीन तरह की खबरें आई हैं। एक तो ये कि सीरो सर्वे में ये कहा गया है कि 24% लोगों में कोरोना के संक्रमण कोरोना के लक्षण दिखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है, पहली बार 49 दिन में 1000 के नीचे आया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एम्स के डायरेक्टर ने ये कहा है कि शायद दिल्ली में कोरोना का पीक अब निकल चुका है। तो ये तीनों खबरें अलग अलग डायरेक्शन की हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, क्या वो आंकड़े ऐसे हैं, क्या वो आंकड़े वाकई ऐसे हैं जो लोगों को राहत दे सकते हैं? क्योंकि जो 1000 से कम के नंबर आए हैं 49 दिन में पहली बार, उसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या टेस्ट कम हुआ है और उसका नतीजा है कि नंबर कम आए हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी घूम रहे हैं और इसका आधिकारिक तौर पर जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन सीरो सर्वे का जो खुलासा है वो चौंकाने वाला है। 24%, ये आप अंदाजा लगाइए कि जो दिल्ली की कुल आबादी है उसमें अगर 24% लोगों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़े हैं और क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के भी संकेत हैं। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है सीरो सर्वे में, किस तरह से ये सर्वे किया गया है और इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं इस पर सरकार क्या कह रही है? गया था इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट में जाकर डोर टू डोर सर्वे करा गया तो सर्वे का आखिरी रिजल्ट सामने आया है। जो ये आंकड़ा है वो है ओवरऑल पूरे, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 22.4% निकल कर आया है कि ऑलरेडी जितने भी जिन लोगों की सर्वे करा गया है तो लोग एंटीबॉडीज IgG एंटीबॉडीज है जो कोरोना वायरस होने के बाद एक इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती है। तो अगर हम इसे ओवरऑल अगर हम फिगर की बात करें, अगर हम दिल्ली की ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के ऊपर है और ये जो आंकड़ा है तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 40% दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी कोरोना की एंटीबॉडीज हैं। और सरकार का इसमें ये कहना है कि जिसकी सर्वे का एक उस सर्वे करने से बेटर पिक्चर मिली है कि कितने लोगों को एंटीबॉडीज हैं। और अगर हम ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली में अभी तक जितना सर्वे अभी तक काम किया गया है उसके बाद ये सर्वे से निकलने के बाद सरकार जिस तरह से प्रयास करे जा रही है कोरोना वायरस ज्यादा स्प्रेड ना हो उसी तरह उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और जो नॉन और तरीके हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई या मास्क पहनना हो गया, इन सारे नॉर्म्स को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर हम सेरो सर्वे को छोड़कर अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत हफ्तों के बाद जो नई फिगर रिपोर्ट करी गई है वो 1000 के नीचे आई है। और ये जो फिगर है नई प्रॉब्लम जो नई केसेस थी ये बहुत ही समय के बाद आई है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए सरकार की तरफ से जो प्रयास करे जा रहे हैं, चाहे होम आइसोलेशन हो चाहे वो बाकी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सब कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो सब अभी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी चिंताजनक बात दिल्ली को लेकर है डेथ रेट को लेकर। ये दिल्ली में भी अभी भी जो डेथ रेट है उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं करा जा रहा है, हर रोज डबल फिगर में आपके सामने निकल रहा है। ठीक बात है, आप कह रहे हैं दानिश की डेथ रेट को लेकर चिंता है, लेकिन दिल्ली में जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है वो ये कि 49 दिन में पहली बार 1000 से कम मामले आए हैं दिल्ली में।
इन इन आंकड़ों को लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या वाकई खुश होने वाले आंकड़े हैं 1000 से कम आ गए या कहीं टेस्ट में कोई झोल है? देखिए जो लेटेस्ट आंकड़े जो कल दिल्ली सरकार ने निकाले। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क दानिश से टूट गया, हम दोबारा उनसे आगे बात करेंगे इस मुद्दे पर।